गुड आफ्टरनून एवरीबडी. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा. ठीक है, उसमें से पहली बात तो बेटा ये है कि इस बार का जो टेस्ट होगा वो प्योरली आप लोगों को एमसीक्यूज में आएगा. ठीक है, उसके लिए आपको चैप्टर थॉरली पढ़ना है. ओके, एमसीक्यूज फॉर्म में अटेम्प्ट करने के लिए आप कोई भी लाइन कुछ भी बेटा स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, इज इट क्लियर? आपको वो पढ़ना पड़ेगा. दूसरी बात ये मुझसे पूछा गया कि लेखक के बारे में क्या हमें पूछा जा सकता है. आपको लेखक के बारे में पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे. इसमें बचेंद्र पाल जी के जन्म आदि के बारे में. अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम लेखक के जन्म के बारे में पूछा जा सकता है. इस चैप्टर में पूछा जा सकता है क्योंकि बचेंद्र पाल जी ने लिखा है और उनका खुद का ही है और चैप्टर में उनके बारे में लिखा गया है, उन्होंने बताया है. ठीक है, इसलिए आप ये ज़रूर करेंगे और आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे. पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है. ठीक है, इज इट क्लियर? आज का चैप्टर हम लोग खत्म कर लें. जो रीडिंग हमने शुरू की हुई है बेटा वो रीडिंग पहले खत्म कर लें स्मृति पाठ की, उसके बाद एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ. ठीक है, पाठ हम रिवाइज कर लेंगे एक बार. ओके, क्लियर? शुरू करें. हमने कल पढ़ा था कि लेखक अपने छोटे भाई के साथ घर से बाहर कहीं थे और उन्हें एकदम से संदेशा मिलता है कि जल्दी से घर चलो क्योंकि तुम्हें घर पर बुलाया जा रहा है, बड़े भाई साहब घर पर बुला रहे हैं. लेखक उस समय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि बड़े भाई साहब क्यों बुला रहे हैं, कहीं मार पड़ने वाली तो नहीं है, हमने अब ऐसा क्या कर दिया कि जिसके कारण हमें हमारी पिटाई होगी. जब घर पर पहुंचते हैं तो भाई साहब उन्हें पत्र लिखते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलता है कि भाई साहब ठीक मूड में हैं, हमारी पिटाई नहीं होगी. और उनसे पूछा जाता है कि हमें क्यों बुलाया गया है, तो भाई साहब उनसे कहते हैं कि तीन चिट्ठियाँ हैं, ये चिट्ठियाँ पोस्ट करके आनी है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ थी. लेखक और उसके छोटे भाई दोनों चल पड़ते हैं चिट्ठियाँ लेकर के, और रास्ते में एक कुआं पड़ता था. जिस रास्ते से वो जा रहे थे वही उनके स्कूल का रास्ता भी था, वहीं से स्कूल आया जाया करते थे. और जब रास्ते में आते जाते थे तो एक कुआं था, उस कुएं में एक सांप रहता था. मिट्टी के ढेले उसमें गिराए जाते थे और लेखक के छोटे भाई भी उनके पीछे पीछे उसी तरह मिट्टी के ढेले उसमें गिराते थे. और जब मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला उसमें गिरता तो सांप के फुंकारने की आवाज़ आती थी. अब जैसे ही वो कुआं दिखाई दिया अब फिर से मन हुआ कि उसमें मिट्टी का ढेला डाला जाए. और लेखक ने हमें ये भी बताया था कि टोपी पहनी हुई थी, जो तीन चिट्ठियाँ थी वो टोपी के नीचे रख ली गई थी. कारण क्या था? क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी. ठीक है, अब इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं कि चिट्ठियों को टोपी के नीचे क्यों रखा गया, छोटे छोटे प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, अब लेखक बताते हैं जैसे ही मिट्टी का ढेला उसमें गिरा रहे थे तो चिट्ठियां जो थी वो कुएं में गिरती हुई नजर आई और तीनों चिट्ठियां नीचे गिर गई. अब लेखक ने और उसके भाई ने बहुत ही उनके लिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय था कि क्या किया जाए, बिना चिट्ठियों को पोस्ट किए घर जा नहीं सकते थे और अगर जाकर झूठ बोल देते कि हमने चिट्ठियाँ डाल दी हैं तो झूठ बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं था. और अब उन्हें माँ की भी याद आ रही थी कि काश माँ अपनी गोदी में हमें बिठा ले
और हमसे कहे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियां गिर गई हैं तो चिट्ठियां दोबारा से लिख ली जाएंगी और दोबारा डाल दी जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि पिटने का डर था, कुछ भी हो सकता था। इसलिए लेखक के छोटे भाई बहुत जोर जोर से रो रहे थे और लेखक की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। अब लेखक ने हमें ये भी बताया था कि एक डंडा लेकर साथ में चले थे और उस डंडे से उन्होंने कई सांपों को मार गिराया था। अब मन में ये बात आई है, उपाय सूझा कि क्यों ना कुएं के भीतर उतरा जाए और सांप को मारकर चिट्ठियां उठा ली जाए। लेखक को खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास था क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारे सांपों को मारा था और उन्हें लग रहा था कि इस बार भी सांप को मार लेंगे। जैसे जैसे करके नीचे उतरते हैं तो सांप से आमने सामने उससे मिलते हैं और उन्होंने बताया है कि सांप को चक्षुश्रवा कहा जाता है, जो आंखों से सुनता है। कहते हैं कि उस समय शायद मैं भी चक्षुश्रवा बन रहा था, मैं भी आंखों से सुन रहा था, दोनों आमने सामने। और घबराने की बात यह थी कि अब वो सांप जो था वो फन फैलाए बैठा था। लेखक ने अपने पैर कुएं पर लगाए थे और जब उन्होंने अपने पैर कुएं पर लगाए उस समय उन्हें ये तरकीब सूझ गई थी कि किस तरह से सांप के पास पहुंचा जा सकता था। एक चिट्ठी लेखक के पैरों के पास पड़ी हुई थी और दो सांप के पास पड़ी हुई थी। अब बात ये थी कि चिट्ठियों को उठाया कैसे जाए। ठीक है, यहाँ से हम आगे शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 14 लास्ट लाइन है, दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था, हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे पर मेरा मोर्चा कमजोर था। मोर्चा बेटा, यहाँ पर यह शब्द लिखा जाता है मोर्चा, जैसे ये शब्द है, लेकिन क्योंकि जो लेखक और कवि होते हैं ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिख देते हैं, इसलिए शब्द ऐसे भी लिखे जाते हैं। कहते हैं कि मेरी तरफ से कमजोर था, मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। चाहे मैं उसको मार देता लेकिन उसका जहर तो मेरे अंदर चला ही जाता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी नहीं था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, डंडा चिट्ठियों तक पहुंचाया जाए और डंडे से चिट्ठियों को अपने ओर खींचा जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा नहीं था, कुर्ता था और कोई कपड़ा नहीं था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये दो मार्ग थे। करो या मरो, या उसको मार दो या उसके साथ बिल्कुल कोई छेड़खानी ना की जाए। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, उसको मारना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, मेरी शक्ति से बाहर था। बाध्य होकर मतलब मजबूर होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन करना पड़ा मतलब दूसरा मार्ग चुनना पड़ा, उस मार्ग का सहारा लेना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया, सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिर हृदय कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। जैसे ही उसने डंडा आगे किया सांप ने उस पर अपना फुंकार मारा, लेखक घबरा गया, उसके हाथ से डंडा छूट गया।
मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं यूं ही बिदक कर, डर कर घबरा कर, कहते हैं कि मैं बहुत पीछे हट गया। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर तीन चार स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ था, वह विष था। अब डंडे पर उसने अपना जहर लगा दिया था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था कि भाई देख लो, अगर मेरे सामने आए या मुझे कुछ कहा तो ये मेरा विष है, और ये तो अभी डंडे पर है, तुम अपना हाल सोच लो क्या होगा। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, मतलब मैं तो उसकी योग्यता को पहले से मानता था, मुझे पता था कि सांप के साथ अगर कुछ भी ऐसा करूंगा तो कुछ भी हो सकता है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर तीन चार चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटा भाई को ऐसा महसूस हुआ कि सांप ने उसको काट लिया है और अब शायद वह जीवित नहीं है या जीवित नहीं रहेगा, इसलिए उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा ना थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा मतलब कोशिश की। अब के बाद सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक सहम व आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ, गुंजलक मतलब गांठ मारता हुआ, जैसे सांप जो होते हैं वो घूम से जाते हैं ना डंडे पर, जैसे वो उसने अपनी कुंडली सी मार ली। सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था, उसने सांप को स्पर्श किया था, टच किया था, और उसका जो टच था वो उसको फील भी हुआ, ठंडा था वो, बहुत ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया, फिर कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी, डंडे के मेरी ओर खींचे आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियां लेनी थी ना। अब जो सांप था वो उस ओर चला गया जहां लेखक था, और जहां लेखक था जहां सांप था वहां लेखक आ गया, ठीक है। तो वो कहता है सबसे पहले मैंने फटाफट से लिफाफे उठाए, चिट्ठियां उठाई, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। चिट्ठियां ऊपर पहुंच गई, जो लटकाई थी, जो धोती लटकाई थी जिसके सहारे वो नीचे आया था, उस धोती में चिट्ठियां बांध दी और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, चिट्ठियां तो मैंने उठा ली थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी कि वे उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बाद की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ।
कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। 11 साल का बच्चा था, छोटा सा, पांचवी या छठी कक्षा में पढ़ता होगा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, सांसें जोर जोर से चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। कहता मैं हाथों के सहारे ऊपर चढ़ रहा था, और अगर हाथ छूट जाते, सहारा छूट जाता, तो ढंग से नीचे गिरता और फिर पता नहीं क्या होता। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वे कुएं वाली घटना किसी से ना कहे, हम लोग आगे बढ़े। वहां एक किशनपुर का लड़का खड़ा था, जिसने उसे कुएं में से बाहर आते हुए देख लिया था। हमने उसको ताकीद की। ताकीद करना होता है बार बार कहना, पंजाबी में अक्सर ये बात आपने सुनी होगी, उसको तगीद करके आना, तगीद करके बोलना, है ना। तगीद करना हिंदी में कहते हैं ताकीद। ताकीद का मतलब होता है बार बार किसी बात को कहना कि मत करना, ऐसे मत करना, वो मत करना, या ये काम कर दो, वो काम कर दो, बार बार कहना। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। 10वीं पास कर लेने के बाद, मैट्रिक कर लेने के बाद, मैट्रिक होता है 10th क्लास, ये घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छिपा लेते। डैने मतलब पंख, जैसे चिड़िया अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है, वैसे ही माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। और सजल आंखें थी, पानी भर आया था आंखों में। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। राइफल लेकर जो आप शिकार करते हैं, जो लोग शिकार करते हैं, जो राइफल को यूज करना, कहते हैं कि उस राइफल से कहीं ज्यादा बड़ा वो डंडा था, जिस डंडे ने उस सांप का शिकार किया था। और ये कम रोचक नहीं था, बहुत ज्यादा रोचक था, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डरावना भी था। चैप्टर समझ में आया सबको? इजी चैप्टर? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो? ओके। हम लोग अब इसके क्वेश्चंस बेटा कल डिस्कस करेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ठीक है। उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। शिखर पर चढ़ने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बताएगा कोई? किस तरह की समस्याएं वहां पर आती हैं? पाठ के आधार पर आप बता सकते हैं कि बिचेंद्री पाल को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उन्होंने कौन सी समस्याएं वहां पर देखी थी, कौन बताएगा? किस तरह की समस्याएं उन्होंने देखी थी, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स।
जो आपने बेटा पाठ पढ़ा है ना, बुक में मत ढूंढो, बुक में मत खो, अपनी नॉलेज के बेस पर बताओ। हमेशा हर चीज बुक में नहीं मिलती, कुछ चीजें जो हमने पढ़ी होती हैं उसके आधार पर भी बताई जाती है। रेज योर हैंड्स, एक भी हाथ नहीं खड़ा है। नो वन, ओके गुड। हाँ जी बनिका, एवरेस्ट पर चढ़ने तक हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जलवायु अनुकूल ना होना, खाने की खाने पीने की समस्या भी आती है, और कभी भी कहीं से भी बर्फ गिर सकती है जिससे मृत्यु होने का भी होता है। और खराब मौसम हो सकता है कभी भी। हाँ, ठंड बहुत ज्यादा होती है तो ठंड बर्दाश्त करना भी है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है, इस तरह की समस्या है। जिस दिन हमने ये पाठ पढ़ा था, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिस दिन हमने ये पाठ पढ़ा उससे अगले दिन मुझे एक पर्वतारोही से मिलने का मौका मिला। मैं किसी के घर गई, वहाँ कोई आए हुए थे जहाँ एक पर्वतारोही थे जो अक्सर लोगों को एडवेंचर करवाते हैं, माउंटेनिंग करते हैं ना लोग, पर्वतारोही होते हैं ना, जो पहली बार जाते हैं, दूसरी तीसरी बार जाते हैं। तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस बताई जो कि इन एक्सपीरियंसेस के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि सेम वही बातें हैं जो बचेंद्री पाल ने यहाँ लिखी है। किस तरह से कैंप लगाए जाते हैं, किस तरह से एक दूसरे का साथ दिया जाता है। बचेंद्री पाल ने कहा ना, मैंने उनसे ये बात पूछी, मैंने कहा कि बचेंद्री पाल ने ये बात कही कि मैं आगे जा चुकी थी, मेरे कुछ दोस्त पीछे थे और मैं उनके लिए थर्मस में चाय लेकर, गर्म पानी लेकर और कुछ थोड़ा जूस लेकर नीचे की ओर आई। तो मैंने उनसे ये पूछा, आप में से किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे, मैंने उनसे ये पूछा कि जब एक बार ऊपर चले जाते हैं तो फिर वापस नीचे क्यों आते हैं, जो नीचे वाले लोग हैं वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बात मुझे ये समझ में आई थी कि टीम वर्क है, अपने मित्रों की सहायता करनी है। लेकिन उसका जो दूसरा कारण है वो कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ये सबको पता है ना, और खासकर ऐसी जगहों पर, ठीक है, वहां ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वहां उनको रोका जाता है, कुछ दिन वो वहां पर रुकते हैं। जब रुकते हैं अपनी बॉडी को उस ऊंचाई का यूज टू होते हैं वो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगाकर बीच बीच में नीचे आते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहां पर कम हो जाता है। अगर उन्हें ऐसा फील हो कि मुझे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, फिर वहां ऑक्सीजन लेवल पूरा करते हैं, फिर वापस दोबारा ऊपर जाते हैं। दिस इज द रीजन। रमनीक मुझसे कुछ पूछ रही है या मुझे बातें कर रही है, कुछ पूछना है, हैंड रेस करना है, ओके फाइन, इट्स ओके, ठीक है, ओके। अंगदोर जी कौन थे बताएगा कोई, अंगदोर जी कौन थे ढूंढ लो। पहले उन्होंने 7 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, पढ़ा था हमने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से पहले, चोटी पर पहुंचने से पहले तक उन्होंने 7 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और
उन्हें बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए बर्फ पर चलने का अभ्यास था। वे अपनी यात्रा में ऑक्सीजन नहीं लगाते थे, लेकिन बिना ऑक्सीजन के उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। एक और बात बताती हूँ जो मुझे पता चली, जैसे पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जिनसे मैं मिली उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो उसको गर्म कैसे रखा जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि एक तो शूज जो होते हैं वो स्पेशल शूज होते हैं, खास किस्म के जूते होते हैं, ठीक है, स्पाइक्स वाले कुछ उस तरह के, जिसमें से पानी अंदर ना आ जाए। जब आप बर्फ पर चलेंगे तो पानी अंदर जाने का डर है, जिसमें से पानी अंदर ना आ जाए। सॉक्स पहनते हैं, पहले सॉक्स पहनी जाती है, फिर उसमें चिली फ्लेक्स लगाई जाती है, चिली फ्लेक्स लगाकर फिर से सॉक्स पहनते हैं, फिर शूज पहनते हैं। हैरानी हुई ना चिली फ्लेक्स क्यों, मैंने भी पूछा, रमनी के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वाई चिली फ्लेक्स, है ना। चिली फ्लेक्स इसलिए क्योंकि वो कहते हैं उससे गर्मी मिलती है। जब वो पहन लेते हैं तो जब चलते हैं तो उससे गर्मी मिलती है पैरों को, पैर जल्दी ठंडे नहीं पड़ते हैं, इसलिए दिस इज द रीजन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेस्ट की चोटी किस आकार की थी? रेज योर हैंड फास्ट। अभी पढ़ा नहीं है चैप्टर, है ना, शंकु आकार की। देखो लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में, शंकु आकार की, बहुत ही संकरी थी, छोटी थी, जहां पर दो लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते थे, और उसको उसमें से बर्फ को हटाया गया। बर्फ हटाने के बाद वहां पर उसने माथा टेका। सबसे पहले उसने क्या काम किया था, बचेंद्रीपाल ने एवरेस्ट पर जाकर वहां माथा टेका और उस जमीन को चूमा था, ठीक है। ओके, एवरेस्ट अभियान दल जो था वो कब रवाना हुआ था? एवरेस्ट दल जो अभियान दल था कब रवाना हुआ था, कब गए थे वो लोग? 7 मार्च को, 7 मार्च, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बेटा आपको आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेता कौन था? यस रमनी, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बचेंद्रीपाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शंस ध्यान से सुनो, बचेंद्रीपाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं, वह पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी थी, वह भारतीय क्रिकेट टीम की पहली महिला कप्तान थी, वह भारत की पहली राज्यपाल थी, वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यस अर्शप्रीत मैम, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्वत शिखर पर प्लूम कैसे बनता है? बुक में फर्स्ट पेज पर दिया है चैप्टर के, पर्वत शिखर पर प्लूम कैसे बनता है? प्रकृति के द्वारा बन जाता है, वर्षा होने के कारण बनता है, शेरपा बनाते हैं, या अधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से बनते हैं?
पर्वत शिखर पर प्लूम कैसे बनते हैं? यस अर्शप्रीत मैम, लास्ट ऑप्शन बर्फीली हवा। बर्फीली हवाओं के चलने से प्लूम बनते हैं। ओके नेक्स्ट, बचेंद्री पाल का यह कौन सा अभियान था? दूसरा, तीसरा, सातवां या पहला? एवरेस्ट पर चढ़ना बचेंद्री पाल ने उससे पहले क्या किसी अभियान में भाग लिया था? हमें यह पता होना चाहिए। नहीं, यह उनका पहला अभियान था। ओके, बचेंद्री पाल के लिए तेनजिंग ने किन शब्दों का प्रयोग किया? तुम तो पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाओगी, तुम एक पर्वतीय लड़की हो, इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों? यस इवा मैम, ये दोनों। यस, तेनजिंग ने उससे कहा था कि तुम तो एक पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। ओके, एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? वन वर्ड, ऑप्शंस नहीं दे रही हूं। एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रेज योर हैंड्स। एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? यस बनिका, साबरमाथा। साबरमाथा, कहाँ के लोग इसे साबरमाथा कहते हैं? नेपाल, नेपाल। यस, ठीक है। बचेंद्री पाल अपने साथ शिखर पर क्या ले गई थी? बचेंद्री पाल अपने साथ शिखर पर क्या ले गई थी? लास्ट पेज, लास्ट पेज। क्या ले गई थी? यस पनिका, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट। बचेंद्री पाल अपने साथ एक माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा एक लाल कपड़े में लपेट कर ले गई। माँ दुर्गा का चित्र और हनुमान चालीसा लाल कपड़े में लपेट कर ले गई थी। ठीक है, हमने बेटा तीन चार तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए, वन वर्ड भी किए, फिर हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस किए, कुछ शब्दों में लिखने वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। ठीक है, इससे हमारा काफ़ी हद तक जो पाठ है वो रिवाइज हो जाता है, लेकिन आप लोगों को एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत अच्छे से पाठ पढ़ना पड़ेगा। पहला कैंप कितनी ऊंचाई पर लगाया गया, चौथा कैंप कितनी ऊंचाई पर लगाया गया, ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, जो चीज़ें सामने सामने नज़र आती हैं वो सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़नी है और थॉरली चैप्टर रीड करना है। क्लियर? ठीक है, बाकी जो हमने किया है खत्म, वो हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे। ओके बेटा, मैम।